नमस्ते, मेरा नाम नेहा परमार है। मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में रहती हूँ। एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ महीने से मेरी 3.5 साल की बेटी है, जिसको खांसी हुई थी। उसकी खांसी मतलब इतनी ख़तरनाक थी कि रोज़ रात को उसको इतनी खांसी आती थी और उसको वॉमिटिंग हो जाती थी। डॉक्टर्स को एलोपैथी की बहुत सारी मेडिसिन ली उन्होंने। लगभग पता नहीं 3 महीने के अंदर उसको न जाने कितनी कफ सिरप्स दे दी, चेंज की एंटीबायोटिक दी, पर उसको इंजेक्शन भी दिए, लेकिन उसकी खांसी को ज़रा भी आराम नहीं मिला। 2 दिन आराम मिलता, उसके बाद उसकी दवाइयाँ चेंज कर दी जाती, फिर से उसको वही, मतलब ये सिलसिला लगभग तीन महीने चला। 3 महीने के बाद भी ना उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। फिर मुझे YouTube पे गोविंद भैया जी का नंबर मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताए, जिसमें लौंग, दालचीनी और काली मिर्च के पाउडर को शहद में मिलाकर चटाना था। मैंने उसको ये चटाना स्टार्ट किया, उसको काफ़ी हद तक आराम मिला। और मुझे भी रात को खांसी होती थी, जब मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था और रात को मैं सो नहीं पाती थी, इतनी ज़ोर से खांसी होती थी, पूरी रात मुझे बैठ के सोना पड़ता था, इतनी परेशानी होती थी। तो मुझे गोविंद भैया ने गुड़, अजवाइन और अदरक का रस, हल्दी, सरसों के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर लेने के लिए कहा। मैंने सिर्फ एक बार लिया होगा और मुझे पहली डोज में ही मुझे मेरी खांसी में रिलीफ मिला और मैं रात को आराम से सो पाई। उसके बाद मैंने कुछ दिन यही डोज बार बार ली और मेरी खांसी पूरी तरह सही हो गई। जबकि जब नॉर्मली खांसी होती है तो एलोपैथ की ना जाने कितनी कफ सिरप, मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई भी ऐसी कफ सिरप होगी जो खांसी को ठीक कर सके, जो जुकाम को ठीक कर सके। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन उनकी दवाइयों से 1% भी आराम नहीं मिलता, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। लेकिन गोविंद भैया जी ने जो वो भी इतने आसानी से नुस्खे बताए, जो कि हम घर पे अपने हाथों से बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनसे मुझे और मेरी बच्ची को बहुत बहुत आराम मिला। उसके लिए मैं गोविंद भैया जी का और उनकी टीम, जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं ना, दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं अपनी बच्ची को जब इतनी तकलीफ में देखती थी ना, मुझे बहुत रोना आ जाता था। वो सो नहीं पाती थी, इतने टाइम तक उसको नेबुलाइजर देना पड़ता था, बेचारी परेशान हो गई थी, स्टीम देना पड़ता था, वो भी स्टीम ले लेकर परेशान हो गई थी, नेबुलाइजर ले लेके परेशान हो गई थी। उसको देख के मुझे इतनी तकलीफ होती थी, समझ नहीं आता था कि मैं करूं क्या, ऐसा कौन से डॉक्टर के पास चली जाऊं, ऐसा क्या करूं, कौन सी दवाई दूं जिससे ये ठीक हो जाए। लेकिन सच में आपका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गोविंद भैया। आप जो भी काम कर रहे हो ना, सच में आपका दिल से आभार रहेगा। मेरी बच्ची अब पूरी तरह से सही हो गई है, उसको अब खांसी की दिक्कत नहीं है। आपका दिल से धन्यवाद।